कोटा एयरपोर्ट के निर्माण के दौरान 600 साल पुरानी बूंदी नरेश राव सूरजमल की मूर्ति और छतरी तोड़ा। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश उत्पन्न हुआ। आक्रोशित लोगों ने तुरंत छतरी को फिर से बनाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस घटना पर आपत्ति जताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर कड़ा बयान जारी किया। शेखावत ने लिखा, बूंदी नरेश राव सूरजमल हाड़ा की छतरी तोड़ना दुखद और व्यथित करने वाली घटना है। शेखावत ने सवाल उठाया कि क्या कोटा विकास प्राधिकरण ने छतरी का ऐतिहासिक महत्व जानने के बावजूद ऐसा कदम उठाया। उन्होंने मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इस घटना से बूंदी और आसपास के क्षेत्र के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मंत्री ने कहा, ऐतिहासिक धरोहरों का सम्मान करना जरूरी है। यह मुद्दा अब स्थानीय राजनीति के साथ साथ जनता की सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति संवेदनशीलता को भी छू रहा है। छतरी को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और प्रशासन पर दबाव है। मामले की तत्काल जांच और सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की जा रही है। ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी के सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे पर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि ऐतिहासिक धरोहरों की अनदेखी से न केवल संस्कृति बल्कि समाज की भावनाएं भी आहत होती हैं। कोटा एयरपोर्ट के निर्माण के दौरान 600 साल पुरानी बूंदी नरेश राव सूरजमल की मूर्ति और छतरी तोड़ा। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश उत्पन्न हुआ। आक्रोशित लोगों ने तुरंत छतरी को फिर से बनाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस घटना पर आपत्ति जताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर कड़ा बयान जारी किया। शेखावत ने लिखा, बूंदी नरेश राव सूरजमल हाड़ा की छतरी तोड़ना दुखद और व्यथित करने वाली घटना है। शेखावत ने सवाल उठाया कि क्या कोटा विकास प्राधिकरण ने छतरी का ऐतिहासिक महत्व जानने के बावजूद ऐसा कदम उठाया। उन्होंने मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इस घटना से बूंदी और आसपास के क्षेत्र के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मंत्री ने कहा, ऐतिहासिक धरोहरों का सम्मान करना जरूरी है। यह मुद्दा अब स्थानीय राजनीति के साथ साथ जनता की सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति संवेदनशीलता को भी छू रहा है। छतरी को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और प्रशासन पर दबाव है। मामले की तत्काल जांच और सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की जा रही है। ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी के सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे पर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि ऐतिहासिक धरोहरों की अनदेखी से न केवल संस्कृति बल्कि समाज की भावनाएं भी आहत होती हैं। कोटा एयरपोर्ट के निर्माण के दौरान 600 साल पुरानी बूंदी नरेश राव सूरजमल की मूर्ति और छतरी तोड़ा। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश उत्पन्न हुआ। आक्रोशित लोगों ने तुरंत छतरी को फिर से बनाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस घटना पर आपत्ति जताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर कड़ा बयान जारी किया। शेखावत ने लिखा, बूंदी नरेश राव सूरजमल हाड़ा की छतरी तोड़ना दुखद और व्यथित करने वाली घटना है। शेखावत ने सवाल उठाया कि क्या कोटा विकास प्राधिकरण ने छतरी का ऐतिहासिक महत्व जानने के बावजूद ऐसा कदम उठाया। उन्होंने मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इस घटना से बूंदी और आसपास के क्षेत्र के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मंत्री ने कहा, ऐतिहासिक धरोहरों का सम्मान करना जरूरी है। यह मुद्दा अब स्थानीय राजनीति के साथ साथ जनता की सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति संवेदनशीलता को भी छू रहा है। छतरी को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और प्रशासन पर दबाव है। मामले की तत्काल जांच और सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की जा रही है। ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी के सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे पर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि ऐतिहासिक धरोहरों की अनदेखी से न केवल संस्कृति बल्कि समाज की भावनाएं भी आहत होती हैं।